क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है? क्या ब्लड प्रेशर कम करने के लिए आप गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके घर में, आपके रसोई घर में छुपा हुआ एक ऐसा खाद्य पदार्थ बताने वाली हूँ जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने की क्षमता रखता है और जो मेडिकली प्रूवन भी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। देखिए, ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और लाइफस्टाइल डिजीज़ में आ चुकी है। कहीं ना कहीं हमारी खाने पीने की रीति है, हमारा बेठालू जीवन है और हमारा तनाव, ये सभी मिला के हमें हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाता है। लोगों को लगता है हाई ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये जानलेवा तक साबित होता है। अचानक से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपको पैरालिसिस या तो स्ट्रोक या तो हार्ट अटैक जैसे गंभीर समस्याओं को भी लेके आता है। तो ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर को सही कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए लोग बहुत सारी बाज़ार में मिलती हुई एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ ये दवाइयाँ गलत है, लेकिन इन दवाइयों के साथ साथ में अगर आप देसी तरीके और हमारे घर में छुपे हुए ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कर सके तो क्यों नहीं, हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और ऐसा ही एक मैजिकल खाना है जिसका नाम है इलायची। जी हाँ, इलायची वैसे तो दो किस्म की आती है, हरी इलायची तो ज़्यादा करके लोग चाय है, मिठाइयाँ है, डेजर्ट्स है उसमें इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बड़ी काली इलायची जो आती है जिसको गर्म मसाला में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इलायची हम खाने पीने में इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आपको ज़्यादा करके अभी इस पर गौर फरमाना है क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट केमिकल और इन केमिकल्स को हम कहते हैं फ्लेवेनॉइड। तो इलायची के अंदर चार महत्वपूर्ण फ्लेवेनॉइड है। सबसे पहला है, इसमें है क्वेरसेटिन वाला केमिकल, दूसरा है कैम्फोलिन, तीसरा है ल्यूटियोलिन और चौथा है पेलारगोनिडिन। चारों जो केमिकल है इसको हम फ्लेवेनॉइड के नाम से जानते हैं और ये वाले जो केमिकल्स है ये आपके खून के अंदर जो गांठ जमा होती है, फाइब्रिन जिसको कहते हैं, उसको नहीं होने देता और फाइब्रिनोलाइसिस को बढ़ावा देता है। इलायची जो है ये ब्लड प्रेशर कैसे कम करती है? उसके मैकेनिज्म भी बहुत सारे हैं। उसमें से सबसे पहला मैकेनिज्म है कि ये जो इलायची है इसके जो केमिकल्स है ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। देखिए, ज़्यादा करके मरीजों को जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके शरीर में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट वाली जो प्रॉपर्टी है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और उसके वजह से जो खून की जो नसें होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है उसके अंदर के जो सेल होते हैं एंडोथेलियल सेल, उसके फंक्शन को भी अच्छा करते हैं, यानी एंडोथेलियम का जो डिसफंक्शन है उसको ये कम करती है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे ही कार्य करती है। और क्योंकि ये आपकी ब्लड वेसल्स को अच्छे से नरिश करती है और साथ ही साथ आपकी ब्लड वेसल अच्छे से चौड़ी यानी डायलेट होती है और जितनी आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होगी उतना ही आसानी से उसके अंदर प्रवाह होगा खून का, यानी ब्लड फ्लो अच्छा होगा और जितना अच्छा ब्लड फ्लो रहेगा उतना ही अच्छा आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, यानी ये आपका ब्लड प्रेशर को सही तरीके से कंट्रोल करेगा। ये तो हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इलायची के अंदर ये है कि ये कार्य करती है नेचुरल डायूरेटिक का। अब क्या होता है डायूरेटिक? डायूरेटिक जो है एक केमिकल प्रॉपर्टी है। जो भी केमिकल में डायूरेटिक वाली प्रॉपर्टीज़ होती है ये सभी केमिकल्स और जो डायूरेसिस के वजह से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड हुआ है यानी पानी कह सकते हैं, फ्लूइड रिटेंशन जो होता है उसको कम करता है
और इसके वजह से या डायूरेसिस प्रॉपर्टी के वजह से आपके शरीर के अंदर वाले ज़्यादा मात्रा में पानी को ये फ्लश आउट करता है किडनी के द्वारा, और साथ ही साथ ये सोडियम और पोटेशियम वाले इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करता है। क्योंकि इलायची में बहुत अच्छा डायूरेसिस प्रॉपर्टी है, इसके वजह से आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, कंट्रोल में रखती है, और साथ ही साथ आपके शरीर में आने वाले सूजन को भी कहीं ना कहीं हद तक कम करती है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसके एरोमा ऑयल। इलायची की एक बहुत ही खास खुशबू है, और जैसे ही आप ये खुशबू को लेते हैं तो इसकी जो एरोमा ऑयल से आपके माइंड पे उसकी असर आती है। ये ऑयल आपके माइंड को काम करता है, रिलैक्स करता है, और इसके वजह से जब बहुत लोगों को एंजाइटी, घबराहट और तनाव की वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें ये कार्य करता है। और चौथा फंक्शन है कि इलायची के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है फाइबर, और ये जितना अच्छा फाइबर रहता है उतना ही वो अच्छा रखता है आपका खून का कोलेस्ट्रॉल, और उसके वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यानी ये चार यूनिक प्रॉपर्टीज है इलायची के अंदर जिससे वो आपका ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं। अब क्योंकि आज हम बात करें इलायची का एज ए मेडिसिनल के फॉर्म में, तो डेफिनेटली आपको उसके डोज के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आप इलायची एक पूरा दिन खाते ही रहे। आइडियल केसेस में इलायची का सेवन 3 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। इसको आप दिन में 2 बार विभाजित कर सकते हैं, यानी 1.5 ग्राम सुबह और 1.5 ग्राम शाम को ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। कम से कम 12 हफ्ते या तो 3 महीने आपके ब्लड प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाएंगे। इलायची को आपकी लाइफस्टाइल में लाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप आपके चाय में है या तो आपके डेजर्ट है या तो खाने पीने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको सेवन कर भी सकते हैं। तो ये हो गया इलायची का फ़ायदा। देखिए, इलायची का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं वो बंद कर दें। वैसा मत कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर आपको उसकी एडवाइस करे। तो सही तरीके से लाइफस्टाइल को फॉलो करना भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में बहुत ज़्यादा फायदे करता है। इसीलिए आप आपके खाने पीने पे ध्यान दीजिए, आपकी वॉकिंग एक्सरसाइज करते रहिए, बराबर से आप रात को सोइए, और जितना हो सके आपका मानसिक तनाव कम कीजिए। ये सभी प्रॉपर्टीज़ भी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेगी। कुछ भी कीजिए लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई और अच्छी जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।